दोस्तों, राम नाम का एक लड़का था। वह बहुत ही खुश मिजाज किस्म का था। वह जब भी स्कूल में रहता था, सारी क्लास उससे बहुत खुश रहती थी। कभी अगर वो कॉलेज नहीं आता था तो क्लास में सोनापन छा जाता था। दिन बीतते गए और समय निकलता गया, लेकिन राम की ज़िंदगी में खुशियाँ कम होने लगीं। वो क्लास में बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता था, कोई उससे पूछे तो बताने को तैयार ही नहीं था। लेकिन एक दिन उसके टीचर ने उससे पूछ ही लिया कि राम, तुम्हें बताना ही होगा, तुम इतने दुखी क्यों हो? जब तक अपने अंदर दबे बोझ को हल्का नहीं करोगे, तब तक कैसे खुश रहोगे? हिम्मत करके उसने बताया कि वो एक लड़की से प्यार करता है और वो उसको छोड़कर चली गई है, इसलिए वो बहुत दुखी है। टीचर समझ गए। उन्होंने कहा कि तुम शाम को मेरे घर आ सकते हो? उसने कहा, हाँ ज़रूर। जब राम शाम को टीचर के घर गया तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या लेना पसंद करोगे, चाय या शरबत? उसने कहा, शरबत। जब उन्होंने शरबत बनाया तो उसमें नमक की काफ़ी मात्रा डाल दी, और जब राम भाई ने वह शरबत पिया तो एक घूंट पीकर ही उसका मुंह बिगड़ गया और टीचर को कहा, सर ये क्या बना दिया है, आपने इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा कर दी है। तो टीचर ने कहा, राम से कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दोबारा शरबत बना देता हूँ। राम ने कहा, लेकिन सर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसी शरबत में थोड़ा पानी और चीनी डालकर इसे अच्छा बना सकते हैं। टीचर ने फिर पूछा कि क्या? राम ने भी यही जवाब दिया। अब टीचर ने कहा कि मैं तुम्हें यही बात तो समझाना चाहता था, इसलिए मैंने जानबूझकर लेमन शरबत में नमक ज़्यादा डाला था, और तुम्हारी ज़िंदगी में भी अब नमक ज़्यादा हो गया है, तो तुम सिर्फ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीनी मिलाते जाओ। कुछ ही दिनों बाद नमक की मात्रा कम हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी पहले से भी खुशनुमा बन जाएगी। राम के गुरुजी चाहते तो सीधा उसको बता सकते थे, लेकिन आप सभी जानते ही हो कि सीधी बातें आसानी से कहाँ समझ में आती हैं। जो ज्ञान प्रैक्टिकल से मिलता है वो हमेशा याद रहता है, और ऐसा ज़िंदगी का ज्ञान तो हम उम्र भर भूलते नहीं। और अब राम के जीवन में चीनी की मात्रा बढ़ने से खुशियाँ बढ़ रही थीं। उसने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए और उनका धन्यवाद दिया। अगर वह इन बातों को अंदर ही अंदर दबा के रखता और विरह की अग्नि में जलता रहता तो गुरु कैसे समझ पाते? मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर आप कभी किसी ने दिल तोड़ा है तो बार बार उसके बारे में मत सोचिए। किसी ना किसी से तो साझा करके आपको अपना बोझ हल्का करना ही पड़ेगा, और अगर आपको कोई भी इंसान ऐसा ना मिले तो आप क्या करोगे उसका भी तरीका बता देती हूँ। आप अकेले में कागज़ के ऊपर वो सारी बातें लिखिए जो आपके दिमाग में आंधी की तरह उड़ रही हैं, कैसे भी बात हो, और लिखने के बाद देखिए आपके दिमाग को कितना रिलैक्स मिलता है, क्योंकि काफ़ी सारी गंदगी दिमाग से निकल चुकी है, बाकी स्वतः ही निकल जाएगी। अब आपको इस कागज़ को क्या करना है कि इसको पूरी तरीके से फाड़ दीजिए, आपका काम हो गया। देखो ये तरीका मेरा खुद का आजमाया हुआ है, तो कुल मिला के बात यही है, आप मेल हो या फिर फीमेल, ये तरीका दोनों तरफ काम करेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।